एक मीटियोर अफ्रीकी उप महाद्वीप से आ टकराया, जिससे आसपास के पेड़ पौधों पर गहरा असर हुआ। जब इंसान पृथ्वी पर आया तो 5 कबीले यहाँ बस गए और धरती के इस हिस्से को नाम मिला वकांडा। ये 5 कबीले आपस में एक लंबी लड़ाई लड़ते रहे। फिर एक दिन एक शमन योद्धा को चीते के रूप वाली देवी पस्त ने दर्शन दिए और उसे एक ऐसी जड़ी बूटी तक ले गई जिसका आकार दिल की तरह था। इस जड़ी बूटी ने शमन में आसमानी ताकत, रफ्तार और सूझबूझ भर दी। एक शूरवीर सम्राट बन गया और कहलाया ब्लैक पैंथर, वकांडा का रक्षक। 4 कबीलों ने सम्राट के रक्षण में रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन जबारी कबीला उनसे अलग होकर पहाड़ों में बस गया। वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके वकांडा का विज्ञान दूसरे देशों से बहुत आगे निकल गया। एक तरफ वकांडा फल फूल रहा था तो दूसरी ओर बाकी देश युद्ध और विनाश से जूझ रहे थे। वाइब्रेनियम की सुरक्षा के लिए वकांडा वासियों ने अपनी पहचान छिपाने की शपथ ली ताकि उनका राज कभी दुनिया के सामने ना आए। हम अभी भी छुपते हैं बाबा। हाँ बेटा। क्यों? अच्छा देखो, अगर तुम तेजी से अंदर गए और बाहर आए तो डरने की कोई बात नहीं। तुम वैन में आओगे पश्चिम की तरफ से, पीछे से आओगे और यहाँ रुकोगे। मैं और वो दोनों ट्विंस यहाँ पहुंचेंगे, हम ये कार पीछे छोड़ देंगे। ओके, हम अंदर। बातों के छुपा पुलिस वाले क्या? शाकाल की बेटियां लगती हैं। हाँ तो मैं भाला भी है। खोलो दरवाजा। सच में? वो दोबारा दस्तक नहीं देंगे। कुंगबान राजकुमार अंजोगो अजूरी का बेटा। Zimbona kalise kumbu kupa nguye, vamtu otimu nguye. Samrat. Ekan, ye James hai. Mera wafadar dost, ise yahi rehne de. Aapse vinti hai Maharaj Ticha ka. Jaisi marzi. Vishram. साजलम डगेमा, जरा मेरे गले तो लग जाओ छोटे भाई। काफी तंदुरुस्त लग रहे हो। देवी पस्त के आशीर्वाद से मैं ठीक हूं। वकांडा कैसा है? ठीक नहीं है मेरे भाई। हमला हुआ हमारे ऊपर। ये आदमी यूलिसिस क्लॉ, इसने 250 किलो वाइब्रेनियम हमसे चुरा लिया और बॉर्डर पर बम फोड़कर भाग गया। कई लोगों की जानें चली गई। वो जानता था वाइब्रेनियम कहां छुपाया है और कहां हमला करना है। अंदर का कोई उससे मिला हुआ है। आप यहां क्यों आए? मैं चाहता हूं तुम मुझसे आंख मिलाकर कहो कि तुमने वकांडा के साथ गद्दारी क्यों की। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बताओ इसे कि तुम कौन हो। जूरी, मधु का बेटा। क्या? जेम्स, तुमने मुझसे झूठ बोला। छोड़ो उसे। तुमने हमसे कहा तू असल में वकांडा वासी है और ये सच्चाई तुमने मुझसे छुपा दी। नीचे।
तुम्हें क्या लगा था तुम अकेले जासूस हो जिसे हमने यहां भेजा है? राजकुमार अंजोबू, तुम तुरंत घर लौटोगे जहां वकांडा की अदालत तुम्हारे गुनाहों का फैसला करेगी। चाका के मृत्यु पर शोक में डूबा हुआ है। पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस पर हुए आतंकी हमलों में मारे जाने वालों में ये लोकप्रिय सम्राट भी शामिल थे। संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में होने के बावजूद पर्वत चोटियों और घने जंगलों से घिरा ये देश ना तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होता है न ही किसी दूसरे देश से मदद स्वीकार करता है। ऐसा माना जा रहा है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा सम्राट के दोनों बच्चों में से बड़ा युवराज की चाला। युवराज, हम बस पहुंचने वाले हैं। कोई जरूरत नहीं है उपाय, मैं ये अकेले ही संभाल। जल्द से जल्द नकिया को छुड़ाकर अपने साथ वापस ले आऊंगा। बस उसे देखते ही फ्रीज मत हो जाना। क्या कह रही हो जनरल, मैं कभी फ्रीज नहीं होता। गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अचानक क्या हुआ? इंजन फेल हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बात है कैप्टन? अपनी अपनी जगह ले लो। होशियार कर दो सबको। हम पर हमला हुआ है क्या? होशियार कर दो सबको। सबको बोलो अपनी जगह ले ले। सबको होशियार कर दो। ए, होशियार रहना। कोई चारा की नहीं। हुआ है नकिया।